तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिखाओ। तो फ्रेंड यहाँ पर दो फोन ऐसे आपके सामने आए हैं जिनकी मिड रेंज वैल्यू फॉर मनी आपके लिए कौन सा फोन होने वाला है और दोनों ही प्राइस रेंज अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो रेडमी नोट 8 है काफ़ी कम प्राइस में आपको बहुत सारे फीचर्स दे रहा है और Y90 में आपको जो इसकी बेसिक प्राइस है 14,000 बता जा रही है, इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। लेकिन इन दोनों फोन में आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होने वाला है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला जो फुल हाईलाइट करा वो क्वाड कैमरे का सेटअप है और इसमें आपको जो बेसिक वेरिएंट उन्होंने शो करा वो जी है 4GB 128GB और इसमें AI ट्रिपल कैमरा आपको मिल जाएगा। तो फोन में फटाफट चेक कर लेते हैं कौन से फीचर्स आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए आपके हैव अ लुक और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जो हमें जनरल सामान जो मिलते हैं भैया बॉक्स के डब्बे के अंदर देख लेते हैं वो आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो फटाफट से मैं इसके अंदर जाके चेक करता हूँ कि भाई आपको जो एसेसरीज हमारी जो फोन के साथ आती है वो क्या क्या मिलने वाली। तो जहाँ पर अगर हम नजर मारें दोनों ही फोन के अंदर, तो यहाँ पर जो पहले वीवो Y19 की बात कर ले तो इसके अंदर आपको मिल जाता है एक 18W का एक फास्ट एडाप्टर चार्जर, काफ़ी बढ़िया फास्ट चार्जिंग देगा आपको ये Y19 में। लेकिन जो सबसे इसके अंदर माइनस पॉइंट जो मैंने बॉक्स को पहले ओपन करा देखा है कि इसमें अंदर आपको मिल जाती है एक USB पोर्ट, मतलब किसके अंदर टाइप सी चार्जर आपको नहीं मिलता, मतलब ये थोड़ा सा इसका एक माइनस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम Redmi Note 8 की बात करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी एक फास्ट चार्जर मिल जाएगा ब्लैक कलर का आपको मिलने वाला है। और अगर हम इसके केबल की बात करूँ तो यहाँ पर ही आपको मिल जाता है आपके टाइप सी के चार्जर के साथ साथ, मतलब कि Note 7 सीरीज के अंदर आपको Note 7 Pro की बात करें तो उसके अंदर आपको टाइप सी केबल देखने को मिली थी, इसी तरह हमारे Note 8 Pro में भी आपको मिल जाती है। तो चार्जर के बाद अगर हम देखें इसके अंदर जो हमें जनरल इसके अंदर जो मिलते हैं डॉक्यूमेंटेशन वो आपको मिल जाते हैं MI Note के अंदर। और तो इसके अंदर जो हमारा केस मिलने वाला फ़ोन कवर केस के ऊपर भी काफ़ी नज़र ज़्यादा रहती है हमारी कि आपको कौन सा किस तरीके का केस मिलने वाला है। तो सिंपल सा यहाँ पर केस मिल जाएगा, मतलब कि क्वाड कैमरा का सेटअप और यहाँ पर जो LED फ्लश है उसके लिए, तो काफ़ी एक बढ़िया सा एक आपको फ़ोन केस भी इसके अंदर देख मिल जाएगा पीछे के बैक के प्रोटेक्शन के लिए। और अगर Y19 की तरफ भी नज़र मारे तो यहाँ पर भी आपको जो डॉक्यूमेंटेशन जो दी जाते हैं हाईलाइट वगैरह वो हैं इसके अंदर, और इसके अंदर फोन केस आपको नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल फोन के अंदर आता है उसी तरह का आपको फोन मिल जाएगा। तो यहां पर सारी चीजों को साइड में करते हैं और अब बात करते हैं हम हमारे मेनली जो हम बात करने वाले हमारे मैन जैम की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फोन क्वालिटी अगर देखें आपको, जो पहले डिज़ाइन क्वालिटी देख लीजिए आप कि भैया आपको कैसे मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप वीवो Y19 मेरा इस हैंड में और इसमें मिल जाता है आपको Redmi Note 8। तो अगर पीछे की सबसे पहले हम कैमरा फोकस करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर एक 4 quad कैमरा का सेटअप, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस इसके अंदर दिया गया 48 megapixel का, 8MP का यहाँ पर वाइड एंगल के साथ साथ 2 MP की आपको डेप्थ सेंसर और माइक्रो शॉट भी देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी मतलब बढ़िया यूनिक सा चेंज है भाई इसके अंदर। और अगर पीछे वीवो Y19 के अंदर Y19 की तरफ करें तो जैसे Y15 के अंदर आपको Y17 के अंदर ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिला था, इसी तरह का ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिल जाता है पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ। इसका प्राइमरी लेंस आपको होने वाला है 16MP का, 8MP का वाइड एंगल और 2MP का यहाँ पर आपको मिल जाता है साथ साथ डेप्थ सेंसर भी। तो अगर फ्रेंड्स इसके अगर जो पीछे के प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, मतलब कि स्क्रैच वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और Y19 में थोड़ा सा आपको सिंपल सा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, इसमें आपको स्क्रैच की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। लेकिन जो सबसे माइनस पॉइंट मुझे यहाँ देखा अगर मैं आपको बताऊँ तो जो उसका कैमरा बम्प है आपको शो हो रहा होगा Note 8 के अंदर वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है, मतलब कि अगर स्क्रैच के चांद अगर नीचे की साइड पर रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके स्क्रैच आ जाएंगे कैमरे के ऊपर। और Y19 के अंदर यही क्वालिटी है कि इसका बम्प जो कैमरे का है वो काफ़ी अंदर है, मतलब इसमें आपको इतनी स्क्रैचिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके डिज़ाइन की बात तो हो गई, यहाँ पर साइड की भी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो दोनों ही फोन इसमें आपको थोड़ा सा कर्व मिलता है Y19 में और ये आपको सिंपल मिल जाता पैनल, सिल्वर पैनल दोनों की दी गई, इधर आपको दोनों वॉल्यूम की और आपको मिल जाते हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन पावर ऑन ऑफ चार्ज के लिए, और इधर के दोनों तरफ आपको सिम अंदर मिल जाती है दोनों फ़ोन के अंदर, और दोनों फ़ोन में बैक में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। तो फोन फटाफट से मैंने बूट अप तो कर लिया था, अब इनके फ़ोन के क्वालिटीज को चेक कर लेते हैं आपको क्या क्या बेसिक वेरिएंट और परफॉर्मेंस। सबसे पहले डिस्प्ले की तरफ नज़र मारते हैं तो दोनों फ़ोन के अंदर आपको ऊपर नॉच मिल जाती है दोनों फ़ोन के अंदर, और दोनों फ़ोन के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस ये आपको मिल जाता है 6.3 inches की IPS LCD मतलब फुल HDR+ दोनों में मिलता है, और इसमें भी आपको मिलता है 6.5 inches का LCD पैनल जिसमें फुल HD रेजोल्यूशन दोनों फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि डिस्प्ले क्वालिटी तो लगभग काफ़ी सेम से, लेकिन थोड़ा आपको बड़ा अगर साइज स्क्रीन चलाने का मन करता तो Y19 को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल HD+ दोनों में मिलने वाली स्क्रीन। अब थोड़ा सा इसके परफॉर्मेंस क्वालिटी को भी देखेगा आपको कौन कौन से इसके अंदर। तो यहाँ पर आप जो हमारे डिस्प्ले के बाद हम बात करते हैं कि इसके फोन की कैमरा क्वालिटी की, यहाँ पर जो हम चेक करके बता देते हैं कि आपको किस तरीके का अंदर स्पेसिफिकेशन या जनरल जो हमारी होती है हाईलाइट कैसे करा उन्होंने सेटिंग्स को। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी मैंने ओपन करी, यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर AI क्वाड का फोटो मिल जाता है, सेकंड पर आपको मिल जाता 48MP का यहाँ पर लेंस जो उन्होंने डाला है इसके अंदर काफ़ी बढ़िया, Note 7S और Note 7 Pro में आपको यही देखने को मिल जाता। और अगर फोटोज़ के जो स्पेसिफिकेशन जो दिए हैं सेटिंग्स वगैरह आपको कि पोर्ट्रेट शॉट कौन सा था यहीं पर ही ऊपर यहीं पर आपको मिल जाता 0.6x कर दिया, मतलब कि ये आपका पोर्ट्रेट शॉट होने वाला है। पीछे आप
अगर होंगे, स्क्रीन कैसे उसने अलग सी कर दिया। अगर ये देखो 1x जूम, अगर ये नॉर्मल हमारा शॉट होता, ये होता हमारा वाइड एंगल शॉट। अगर इसी के पोर्ट्रेट शॉट अगर ढूंढेंगे आप, तो यहाँ पर एक जो फ्लावर वाला साइन आपको दिख रहा होगा, ये होता है इसका माइक्रो शॉट। मतलब कि ये मैंने माइक्रो शॉट को ओपन कर, सारी स्क्रीन पीछे आपको ब्लर दिख रही होगी। जैसे ही मैं इसको फोकस या जूम करता हूँ अगर स्क्रीन को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर स्क्रीन में कि ये इसका माइक्रो शॉट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। मतलब 2 MP का माइक्रो शॉट भी काफ़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर यहाँ पर दिया है नेट नोट 8 के अंदर। और वहीं अगर पोर्ट्रेट शॉट भी आपको दिखाऊं, तो ये इसका पोर्ट्रेट शॉट है जो कि इसने हमेशा देता है कि प्लीज सब्जेक्ट विद इन 2 मीटर। तो ये काफ़ी मतलब एक पोर्ट्रेट शॉट के लिए भी काफ़ी बेटर होने वाला है। मतलब 4 क्वाड कैमरे का सेटअप और प्राइमरी लेंथ जो इसका 48 है, काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। Y19 की तरफ में नज़र मार लेते हैं कि इसके अंदर कैमरा क्वालिटी आपको कैसे मिलने वाले थे। जो जनरल स्पेसिफिकेशन के नजर मारे, इसके अंदर जो आपको एक स्क्रीन कैप्चरिंग होता है वो काफ़ी पास क्लोज आके दिखेगा फोटोज की क्वालिटी में। इसी के अंदर अगर जो देखें तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ दिख जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुपर माइक्रो शॉट के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड एंगल भी। ये अल्ट्रा वाइड एंगल मैंने शो करके दिखा दिया आपको। यहाँ पर आपको सुपर माइक्रो शॉट भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ अलग से आपको पोर्ट्रेट शॉट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर लगभग दोनों फोन की सेम है, लेकिन इसके अंदर आप 4K क्वालिटी भी शूट कर सकते हैं रेडमी नोट 8 के अंदर। और अगर इसमें Y19 की बात करते हैं, यहाँ पर 4K क्वालिटी का आप शूट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि 10,000 की रेंज में ये एक काफ़ी बिल्कुल बम ब्लास्ट फोन होने वाला है आपके लिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस क्वालिटी की तरफ भी लेके चलता हूँ आपको। तो इसके अंदर अगर मैं परफॉर्मेंस की तरफ लेके चलूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो हमेशा वीवो के अंदर मिलता है फ्रंट टच OS के साथ साथ आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 9 पाई के वर्जन Y90 में प्रोसेसर मिल जाता है 2 GHz के साथ साथ। इसमें जो मिलने वाला परफॉर्मेंस क्वालिटी अगर मैं बात करूँ, तो MediaTek Helio का P65 मिल जाता है फोन आपको। राउंड चेंज करता तो पहले मेरे जिस पोजीशन में था उसी में ले आता हूँ। नोट 8 वापस इस हाथ में आ गया मेरे, मतलब कि रेडमी नोट 8 में आपको मिलने वाला यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर। मतलब कि काफ़ी कमाल का आपको प्रोसेसर मिल रहा है 10,000 के रेंज में। एक गेम ब्लास्टिंग फोन दोनों ही आपके लिए हो जाएंगे, लेकिन एक बेटर क्वालिटी आपको मिलने वाली है भाई MI नोट 8 के अंदर। मतलब कि 10,000 रेंज में काफी ही चेंजेस, काफी यूनिक फीचर्स, कैमरा क्वालिटी परफॉर्मेंस काफी बेस्ट दी गई। अब इसके बाद एक और जो चीज आती है हमारी कि बैटरी क्वालिटी आपको कैसे मिलने वाली फोन्स के अंदर, तो मैं बताऊं कि भैया यहां पर आपको मिल जाता है Vivo Y19 में 5000 की एमएएच की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ी बड़ी बैटरी मिल जाएगी और इसमें आपको 4100 mAh की बैटरी मिल जाएगी Redmi Note 8 में। बस सिर्फ बैटरी का ही आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, बाकी तो भाई 10,000 की रेंज में नोट 8 प्रो आपके लिए काफी बेस्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कैमरा रिव्यूज भी आपको मिल जाए, तो फटाफट जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ।